गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा कि आधार सेवा केंद्र कैसे चालू करें एंड आधार सेवा केंद्र पे कौन कौन सी फैसिलिटी आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आधार सेवा केंद्र के लिए आपको सबसे पहले लाइसेंस लेना होगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे लाइसेंस लिए बिना भी आप आधार सर्विस दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वो सर्विस कैसे रहती है, जैसे कि आधार सेवा केंद्र पे बायोमेट्रिक रिलेटेड एज वेल एज डेमोग्राफिक रिलेटेड सर्विस आप दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बायोमेट्रिक रिलेटेड सर्विस एंड डेमोग्राफिक रिलेटेड सर्विस, दोनों सर्विस देने के लिए आपको आधार सेवा केंद्र का लाइसेंस लेना पड़ेगा। और वो लाइसेंस लिए बिना आप डेमोग्राफिक सर्विस वहाँ पे दे सकते हैं। डेमोग्राफिक सर्विसेज यानी किसी का आधार कार्ड अगर खो जाता है तो उसके आधार कार्ड नंबर से आपको नया आधार कार्ड वहाँ पे आप डाउनलोड करके उनको दे सकते हैं। एज वेल एज किसी को अपने आधार कार्ड का नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ या जेंडर चेंज करना है तो वो भी आप लाइसेंस यानी आधार सेवा केंद्र का लाइसेंस लिए बिना आप वो सर्विस वहाँ पे आप दे सकते हैं। या किसी का आधार कार्ड अब तक निकला नहीं और उनके पास जस्ट आधार एनरोलमेंट नंबर है तो वो आधार एनरोलमेंट नंबर के हिसाब से भी आप उनका आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये डेमोग्राफिक रिलेटेड सर्विस जो हुई, वो फ्रेंड्स आप लाइसेंस लिए बिना आप अपने घर पे या अपनी दुकान पे सिंपल एक बोर्ड लगा के आप वो सर्विस वहाँ पे दे सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, बायोमेट्रिक रिलेटेड सर्विस यानी बायोमेट्रिक एज वेल एज डेमोग्राफिक रिलेटेड सर्विस देने के लिए आपको लाइसेंस लेना होगा। जैसे कि आप वहाँ पे नया आधार कार्ड निकाल सकते हैं एज वेल एज डेमोग्राफिक सर्विस तो आप दे ही सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वो आधार सेवा केंद्र लेने के लिए आपको रजिस्ट्रार ऑफिस का कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा या फिर आप अगर CSC सेंटर ओपन करते हैं, ओके, CSC सेंटर यानी कॉमन सर्विस सेंटर, तो वो CSC सेंटर पे आधार कार्ड रिलेटेड सारी की सारी सर्विस आप दे सकते हैं। एज वेल एज पैन कार्ड रिलेटेड, पासपोर्ट रिलेटेड, इलेक्शन कार्ड रिलेटेड यानी गवर्नमेंट के रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज है वो आप CSC सेंटर पे आप वहाँ पे दे सकते हैं। उसके लिए फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले TEC सर्टिफिकेट लेना होगा, उसके बाद आपको CSC रजिस्ट्रेशन ID लेना होगा, उसके बाद आप CSC सेंटर ओपन कर सकते हैं। CSC सेंटर के रिलेटेड वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने रखा है, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके वो देख सकते हैं कि कैसे CSC सेंटर आप ओपन करें। एज वेल एज आप किसी पर्टिकुलर बैंक का कॉन्टेक्ट करके भी आधार सेवा केंद्र का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप आधार सेवा केंद्र चालू करने का सोच रहे हैं तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपने एरिया में डेमोग्राफिक रिलेटेड सर्विस देना चालू करिए। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, उससे क्या होगा कि आपका वहाँ पे आपके एरिया में आपका नाम प्रचलित हो जाएगा और लोग जानने लगेंगे कि आप आधार कार्ड के रिलेटेड सर्विस दे रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये डेमोग्राफिक रिलेटेड सर्विस आप अपने सिंपल एक मोबाइल के द्वारा ही दे सकते हैं। तो आपको ये आधार सेंटर के लिए जो उपकरण यूज़ होते हैं वो आपको लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं, यानी आपका इन्वेस्टमेंट सही समय पे और सही दिशा में आगे जाए। और फ्रेंड्स, आधार कार्ड के डेमोग्राफिक डिटेल्स की अपडेशन कैसे करें उसके वीडियो मैंने बनाए हैं और वो आप मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आधार कार्ड का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स, अगर आप ये चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आपके मोबाइल के ऊपर मिल जाए।
ऐसा ही इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँगा। बने रहिए, देखते रहिए। कीप वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।